की गाड़ी में सोना अच्छी बात नहीं है। कभी तुमसे नहीं मिल पाऊंगा लीला। विनीत बकवास बंद करो, कहाँ पे हो तुम? मुझे अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। मैं सेबेस्टियन रोड पे हूँ, पुराने पोस्ट ऑफिस के पास। विनीत एक काम करो, तुम वहीं पे रुको, मैं टैक्सी लेके अभी वहीं पे तुम्हें लेने आती हूँ। हेलो लीला। हेलो विनीत, तुम ठीक हो? फोन को भी हेलो लीला, ये फोन को भी अभी कटना था। भगवान प्लीज हेल्प मी, मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो प्लीज। हेलो सीआईडी ब्यूरो। हेलो मैम, मैम प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैम मेरे पति इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में है। क्या सर, क्या हुआ आपके पति को? मैम उनकी जान खतरे में है, कोई मारना चाहता है, मैम प्लीज उन्हें बचा लीजिए प्लीज। क्या क्या वो इस वक्त आपके साथ है? नहीं मैम, मैम वो इस वक्त अपनी गाड़ी में है, वो सेबेस्टियन रोड के पास जो पुराना वाला पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे। अच्छा सुनिए मैम, देखिए हमारे दो ऑफिसर उसी एरिया में है, आप हमें आपकी गाड़ी का डिटेल दीजिए। व्हाइट बैक्स्टर है और गाड़ी का नंबर है 2536। मैम आप उन्हें बचा तो लेंगे ना? आप फिक्र मत कीजिए, आपके पति को कुछ नहीं होगा। ओके पूर्वी, अभिजीत को फोन करो, उसे गाड़ी की डिटेल्स दे दो और उससे बोलो कि अर्जेंट है। या यही नंबर है। ये गाड़ी ऐसे क्यों चला रहा है? ये तो एक्सीडेंट कर देगा। मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे माफ कर दो। किससे बातें कर रहा है? गाड़ी में तो कोई नहीं है। अरे विनीत किससे बात कर रहा है? गाड़ी में कोई नहीं है। अंधे हो तुम लोग, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, इतने सारे लोग मुझे बुला रहे हैं। कर क्या रहा है ये? मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता। पागल हो गया लगता है। विनीत, 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 तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, रुक जाओ। अंकल मेरे साथ खेलो ना, बहुत मजा आएगा। विनीत गाड़ी रोको, साइड में लगाओ। रुक जाओ, विनीत, विनीत। विनीत? ओह नो, ये तो मर चुका है। स्मेल है। शराब, शराब पी के गाड़ी चला रहा था, लेकिन ये गाड़ी में बात कैसे कर रहा था? शराब के नशे में बड़बड़ा रहा होगा, शराब पी के तो यही होता है, एक्सीडेंट। आपने तो मुझसे वादा किया था ना कि विनीत को कुछ नहीं होगा, तुम्हें क्या हो गया? देखिए मैडम, अगर उनकी जान को किसी और से खतरा होता तो हम उन्हें जरूर बचा लेते, लेकिन वो तो खुद ही शराब पी के गाड़ी चला रहे थे। आप तो जानती हैं कितना खतरनाक है। नहीं, उनकी जान खुद उनकी वजह से नहीं गई है, बल्कि उन लोगों की वजह से गई है
जो इतने दिनों से उन्हें परेशान कर रहे थे। कौन लोग? सुबह शाम सोते जागते हर वक्त वो उन्हें सताते रहते थे। वो इतना ज्यादा परेशान हो गए थे कि उन्होंने अपने बिजनेस पे भी पूरी तरह से ध्यान देना बंद कर दिया था। किन लोगों की बात कर रही हैं आप? जरा साफ साफ बताइए। मैम, विनीत की मौत हमारे सामने हुई थी और उस वक्त कार में उसके अलावा और कोई भी नहीं था, तो उसकी मौत का दोष आप किसी और को कैसे दे सकती हैं? क्योंकि उनका खून हुआ है। मर्डर है ये, मर्डर। मर्डर हुआ है? आप जानती हैं किसने किया ये? आत्माओं ने। भले ही आप लोगों ने वो आत्माएं नहीं देखी होगी, लेकिन विनीत उन्हें साफ साफ देख सकते थे। सीआईडी आत्माओं को नहीं मानती। आप भी मानते सर? अगर आपने तो दो हफ्ते पहले वाला नजारा देखा होता। लीला उठो, उठो लीला, लीला उठो। विनीत, लीला, क्या हुआ विनीत? वहाँ देखो, कबर्ड के ऊपर। क्या है वहाँ विनीत? लीला, कबर्ड के ऊपर मुझे घूर रहा है, मुझे सोने नहीं दे रहा। विनीत, वहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे। तुमने ना जरूर कोई बुरा सपना देखा है। चलो आगे सो जाओ। मैंने कोई सपना नहीं देखा और वो देखो अभी भी घूर रहा है और तुमको दिख क्यों नहीं रहा यार? विनीत, वहाँ पे कुछ नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है विनीत, तू आगे सो जा। चलो, कुछ नहीं है विनीत, मैंने ना बुरा सपना देखा इसलिए ये सब हो रहा है। सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। एक मिनट, ये विनीत किस चीज के लिए माफी मांग रहा था? ये तो मुझे भी नहीं पता सर। विनीत काम क्या करता था? सर, उनकी कंपनी हॉस्पिटल्स में मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करती थी। आप श्योर है कि वो विनीत का खून आत्मा नहीं किया? सर, मुझे पहले तो नहीं लगता था, क्योंकि ना तो मैंने कभी कोई आत्मा देखी थी और ना ही कभी मैंने उनकी आवाज सुनी थी। लेकिन बाद में मुझे विनीत की बातों पे यकीन होने लगा कि वो सच कहता था। बॉस, इसकी मौत की एक ही वजह नजर आ रही है, इसके सर पर लगी हुई है चोट, जो इसे एक्सीडेंट के दौरान लगी। पक्का डॉक्टर साहब, कोई और वजह नहीं? दया, विसरल सैंपल्स को चेक करना अभी बाकी है, लेकिन प्राइमा फेसी तो यही दिखता है कि मौत की वजह एक्सीडेंट है। तो बॉस, इसके खून में हमें अल्कोहल की बहुत ज्यादा मात्रा मिली, मुझे लगता है उसी की वजह से इसे हेलुसिनेशन होने लगे और इसने टक्कर मार दी। मतलब ये खून का मामला नहीं है। हम फ्यूनरल के लिए बॉडी को लौटा सकते हैं, अगर कुछ डाउट हुआ तो विसरल सैंपल से पता लग जाएगा। पता नहीं सर क्यों अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये केस उतना सीधा नहीं है, क्योंकि जब हमने लीला से पूछा कि ये विनीत किससे माफी मांग रहा था तो वो बात को टाल गई। हम लोग भी फ्यूनरल में जाएं क्या? वहाँ रिलेटिव भी होंगे, फ्रेंड्स भी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, देखते हैं कुछ पता चलता है। जाओ, जरूर जाओ फ्यूनरल में। अच्छा हुआ मर गए, ऐसे गलत लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इसकी मौत इससे बदतर होनी चाहिए थी। बस अब उस दिन का इंतजार है जब उन दोनों के बीच चिता चलते हो देखूंगा। उस दिन तुम सबको बहुत बड़ी पार्टी दूंगा मैं। क्या प्रॉब्लम क्या तुम्हारी? यहाँ पर एक आदमी की चिता जल रही है, शोक मनाने के बजाय जश्न मनाने की बात करो तुम लोग। क्यों ना मनाओ जश्न? अरे असली जश्न तो उस दिन मनेगा जिस दिन ये दोनों भी अग्नि की भेंट चढ़ेंगे। वो दोनों अग्नि की भेंट चढ़े या ना चढ़े, तुम सीआईडी के हत्थे जरूर चढ़ोगे। सर, अगर आप लोग सीआईडी से हैं तो
आपको मुजरिमों का साथ देने के बजाय हम लोगों को इंसाफ दिलाना चाहिए सर। एक मिनट, कहना क्या चाहते हो, पूरी बात बताओ। सर मेरा नाम रोहित है और मेरे पिताजी पर्पल हॉस्पिटल में एडमिट थे। डॉक्टर सर वो वेंटिलेटर पे। डॉक्टर नर्स नर्स डॉक्टर रिलैक्स, मेरे पिताजी मर रहे हैं वहां पे, प्लीज डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? शोर ना मचाऊं तो क्या करूं, मेरे पिताजी मर रहे हैं वहां पर और आपका स्टाफ यहां बैठकर मक्खियां मार रहा है। आप शांत हो जाइए प्लीज, आप जाइए पेशेंट के पास, हम आते हैं। प्लीज जल्दी कीजिए प्लीज। गजब हो गया, सारे के सारे वेंटिलेटर से एक एक बंद हो रहे हैं। यस मैम, हमारे दो इंटर्न्स मैन्युअली ऑक्सीजन दे रहे हैं कुछ पेशेंट्स को। मैम हर पेशेंट के साथ ऐसा नहीं हो सकता, अगर वेंटिलेटर्स ठीक नहीं हुए तो पेशेंट मर जाएंगे। ये बोलो, अरे ये हॉस्पिटल के रेपुटेशन का सवाल है, अगर मरीजों के घर वालों को पता चल गया है ना फिर बवाल हो जाएगा। डॉक्टर आप प्लीज दो मिनट का वक्त दीजिए, हम सोल्यूशन। मैम एक एक करके सारे वेंटिलेटर्स बंद हो रहे हैं, बाकी के वार्ड्स में चेक करो। ओके मैम। अरे वो सप्लायर विनीत को फोन करो ना, वो ही अभी कुछ कर सकता है, बस टेंशन लेने की जरूरत। डॉक्टर महक हुआ क्या है ये सर? सर वेंटिलेटर बंद हो रहे हैं सारे। आप प्लीज शांत रहिए, मैं बात करती हूँ ना सर। एक एक करके सारे वेंटिलेटर्स बंद हो गए। क्या ऐसे कैसे हो सकता है, तो किसी हॉस्पिटल में फोन करो ना, वहां से मंगवाओ। अरे राजा फोन लगाओ और मैं एक काम करूँ, टेक्नीशियन जो यहाँ पर है उसको बुलाओ। राजा क्या हो गया तुम्हें, तुम्हें सुनाई नहीं देता सर क्या आप कह रहे? आप लोग क्या डिस्कशन में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मेरे पिताजी मर जाएंगे वहां पर। प्लीज जल्दी आइए प्लीज, बस आते ही है प्लीज। मैम वेरी बैड न्यूज, दो पेशेंट्स की जान चली गई है, पांच पेशेंट्स बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हैं। सर अगर आज हम लोगों का परिवार हमारे साथ नहीं है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये तीन लोग हैं, विनीत महक और राजा। ये विनीत तो इक्विपमेंट सप्लाई करता था ना? जी सर। और ये महक राजा? सर जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन महक डॉक्टर इंचार्ज थे और राजा हॉस्पिटल का एडमिन संभालता था। ये सिर्फ राजा और महक आए हॉस्पिटल से या और लोग भी आए वहाँ के? आए ना सर, वो हेड नर्स परिणीता, वो शेखर जो कि मेंटेनेंस में, और वो डॉक्टर केदार इस हॉस्पिटल के मालिक। ठीक है अभी शांत हो जाओ, हम इस मामले के तय तक जाएंगे, अगर तुम्हारे पिताजी के साथ नाइंसाफी हुई है तो उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। समझ में आया कि ये विनीत माफी क्यों मांग रहा था। मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे माफ कर दो। और ये भी समझ में आ रहा है कि विनीत के मौत से इतने लोग खुश क्यों हैं, यानी विनीत की मौत का जिम्मेदार कोई भी हो सकता है। अब विनीत के बाद खूनी का अगला निशाना ये महक और राजा हो सकते हैं। मुझे माफ कर दो। तुमने मुझे क्यों मरने दिया? मेरा पीछा मत करो। ये बात किसे कर रहा? मेरा पीछा मत करो। उन्हीं काल्पनिक लोगों से जिससे विनीत बात कर रहा था। शायद तुम मुझे बचा सकती थी, क्यों मरने दिया मुझे? तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये मैग भी सहमी इसी लग रही है। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, हाथ में मत खींचो, मेरी कोई गलती नहीं है, छोड़ो 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 मुझे, छोड़ो छोड़ो, मत खींचो मुझे हाथ में, छोड़ो। क्या क्या कर रहे हो, इधर आओ, क्या कर रहे हो यार? मैं बस परेशान हूं, इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, मुझे खुद ही निपटना होगा अपनी परेशानी से। आप इधर आओ, थोड़ा दूर हट जाओ इधर से। तो बहुत सारे लोग हैं जो विनीत की मौत की खबर सुनकर खुश हो गए हैं, और अब वो महक और राजा की मौत की खबर सुनना चाहते हैं। राजा और महक इनका बर्ताव भी कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा था सर, काफी डरे डरे से लग रहे थे विनीत की तरह। सर विसरल सैंपल्स की रिपोर्ट आ गई है। ग्रेट, कोई गड़बड़ है? हाँ।
एक आम इंसान का खून जितना लाल होता है, विनीत का खून उससे बहुत ज्यादा लाल था। तो अब समझ में आया कि विनीत को आत्माएं क्यों नजर आ रही थी। क्यों सर? पूर्वी, जब इंसान का खून जरूरत से ज्यादा लाल हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो इंसान बहुत ज्यादा लंबे समय तक कार्बन कंपाउंड के संपर्क में रहा, और इस कार्बन कंपाउंड की वजह से ही उसे हेलुसिनेशन आते हैं जबरदस्त किस्म के। तो मतलब किसी ने जानबूझकर विनीत को इस कार्बन कंपाउंड के संपर्क में लाया, जिसकी वजह से विनीत की दिमागी हालत खराब हो गई, जो उसकी मौत का कारण भी बन गई। सर, खूनी को ये कार्बन कंपाउंड मिला कहां से होगा? हमारे आसपास हर जगह कार्बन कंपाउंड फैला हुआ है। मॉडर्न जिंदगी में हम जितनी भी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, वो सब की सब, लगभग सब की सब कार्बन कंपाउंड निकालती है। हाँ, कोई भी मशीनों के साथ छेड़खानी करके ऐसी साजिश कर सकता है। तो कार में बैठने के ठीक पहले विनीत ऐसे किसी केमिकल के संपर्क में आया होगा, इसकी वजह से उसे ये हेलुसिनेशन वगैरह हो रहे थे। बिल्कुल बॉस, गाड़ी के एग्जॉस्ट सिस्टम को चेक करना चाहिए, गड़बड़ वहीं हुई है। सालों के सर तो सही बोले थे सर, इसमें से तो केमिकल भर भर के आ रहा है। एक बात तो पक्की है पंकज, आत्मा वात्मा कोई नहीं थी। हाँ सर, इसका मतलब अब खूनी के निशाने पे दो लोग हैं, राजा और महक। फ्यूनरल में राजा का बर्ताव ठीक नहीं था, अभी भी उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अरे सर, दरवाजा तो खुला है। ये खूनी राजा तक पहुंच तो नहीं गया, ये क्या माहौल है? कैंडल्स, ठीक हो? कौन है आप लोग? सीआईडी। विनीत के अंतिम संस्कार में मिले थे हम लोग, तुम आग में कूदने वाले थे, हमने तुम्हें रोका था, भूल गए? अब आप लोगों को मुझे रोकने या बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक विनीत का खूनी पकड़ा नहीं जाता, तुम्हारी जान को भी खतरा है। अच्छा, सच सच बताना, उन 12 मरीजों की मौत क्या तुम्हारी लापरवाही की वजह से गई थी? खबरदार जो मुझ पर ऐसा गंदा और झूठा इल्जाम लगाया था। मैं निर्दोष हूं और कोई नहीं मरा मेरी वजह से। शांत शांत, राजा बड़ी मुश्किल से शांत हुआ है, इसे गुस्सा मत दिलाइए। आपकी तारीफ? श्लोक नाम है मेरा, मैं राजा की इस बुरे वक्त से बाहर निकलने में मदद कर रहा हूं। ओ, तो आप साइकेट्रिस्ट हैं? साइकेट्रिस्ट नहीं, साइकिक मीडियम। इस दुनिया और दूसरी दुनिया के पीछे पुल समझ लो। दूसरी दुनिया? दूसरी कौन सी दुनिया? वही आत्माओं वाली दुनिया। वैसे हम भी एक पुल है, मुजरिमों की दुनिया से लेके जेल के अंदर सलाखों के पीछे तक पहुंचाने का पुल है। पर सर, आप मुझे सलाखों के पीछे क्यों डालना चाह रहे हैं? मैं तो राजा की आत्माओं से बचाने में मदद कर रहा हूँ। राजा को आत्माओं से नहीं, केमिकल पॉइजनिंग से बचाने की जरूरत है, और बंद करो अपना ये ठोंग, समझे? सर, वो कहाँ इशारा कर रहे? उस बूढ़े आदमी की तरफ जो एसी के पास खड़ा हुआ है। किसकी बात कर रहे? मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा। मुझे भी नहीं दिख रहा। मानो या ना मानो, इस कमरे के अंदर कोई शक्तिशाली आत्मा है जो राजा को नुकसान पहुंचाना चाहती है, अभी पता चल जाएगा। विनीत
डॉक्टर से हाथ मत देखेंगे। देखा, वो आत्मा एसी के पास ही है। मेरी ईएमएफ मशीन झूठ नहीं बोल सकती। पर हमारा भी ये मीटर गलत नहीं हो सकता, समझे? वेरी लगता है राजा को कार्बन कंपाउंड का असर उसकी गाड़ी से ही हुआ है। एक काम करो, ये मीटर ले जाओ, उसकी कार चेक करो। रेडी पंकज। बताओ महक, विनीत के फ्यूनरल पे क्या देखा तुम? मैंने किसी को नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। झूठ मत बोलो, अगर कुछ नहीं देखा तो वहां से डर के भागे क्यों? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने सच में किसी को नहीं देखा। अच्छा, अस्पताल में जो 12 मौतें हुई थी, क्या वो तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुई थी? मेरी लापरवाही की वजह से? देखिए, मुझसे जो कुछ बन पड़ता है मैंने सब कुछ किया। मैंने डॉक्टर केदार से भी बात की, लेकिन उन्होंने कुछ एक्शन लिया ही नहीं, तो मैं और क्या करती? अच्छा, तो फिर इसमें डॉक्टर केदार की गलती है? उनसे भी ज्यादा गलती है उस राजा की। उसे चेक कर लेना चाहिए था कि वेंटिलेटर ठीक से काम कर रहे या नहीं, उनके वक्त रहते सर्विसिंग हो रही या नहीं। तो फिर राजा दोषी है? राजा और विनीत दोनों। विनीत को भी हमें वेंटिलेटर सप्लाई करने से पहले देख लेना चाहिए था कि वो कहीं खराब तो नहीं है। आखिर कितनी जाने टिकी थी उस वेंटिलेटर पे। लगता है राजा और विनीत के लिए तुम्हारे अंदर काफी कड़वाहट है। विनीत की मौत से तो बहुत खुश होगी तुम? ये कैसी बातें कर रही है आप? बिल्कुल भी नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा काम पेशेंट्स की जान बचाना है। किसी की मौत से मैं कैसे खुश हो सकती हूँ? वो आ गया, वो आ गया, वो देखिए। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं, पीछे है। मैं यहाँ पर कोई नहीं है। देखो, तुम घबराओ मत, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। कार के एसी में तो कार्बन कंपाउंड नहीं है। घर के अंदर देखते, चलो। हाँ पूर्वी, महक के घर पे कोई केमिकल नहीं मिला। ठीक है, जब तक वो खूनी पकड़ा नहीं जाता तुम उसके साथ ही रहो, ठीक है? सर, हाँ, कार्बन कंपाउंड यहाँ पे भी नहीं है। कहीं कोई केमिकल नहीं मिलेगा। विज्ञान की दुनिया और केमिकल की दुनिया के अलावा भी कोई दूसरी दुनिया है, मानो या ना मानो। चुप, वो बंद। और जब तक बोलने को नहीं कहा जाए मुंह खोलना नहीं। राजा जी, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग हैं यहाँ पर। जब तक वो खूनी पकड़ा नहीं जाता सीआईडी आपके साथ ही रहेगी। मुझे सीआईडी की जरूरत नहीं है, ये है ना मेरी सुरक्षा करने के लिए। यार ये कैसे हो सकता है? ना राजा के घर में केमिकल मिला, ना महक के घर में केमिकल मिला, कैसे हो सकता है? सर, हमने राजा के घर को अच्छी तरह से चेक किया, एक एक कोना देखा, गाड़ी भी चेक की, कहीं कुछ नहीं मिला। हाँ, मगर दया, अगर कोई केमिकल का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है तो फिर राजा और महक को हेलुसिनेशन हुए कैसे? कोई तो वजह होनी चाहिए। और सर, जिस तरीके से विनीत के कार के एसी में केमिकल का इस्तेमाल किया गया है, ये किसी नौसिखिया का काम नहीं लगता है, तो कोई एक्सपर्ट। एक काम करते हैं, बंदे वालों के घरों में देखो, शायद कोई ऐसा आदमी हो जो केमिकल्स के बारे में अच्छी जानकारी रखता हो, कोई केमिकल्स में एक्सपर्ट। और हाँ, हॉस्पिटल के वो स्टाफ को बुलाओ, चीफ नर्स जो है ना, हेड नर्स परिणिता, फिर हेड टेक्नीशियन शेखर और मालिक केदार, तीनों को बुलाओ। सर, देखते हैं।
तुम्हारा नाम शेखर है? यस सर। हॉस्पिटल के हेड मैकेनिक, मेन टेक्नीशियन, मतलब हॉस्पिटल में जब भी किसी मशीनरी में प्रॉब्लम्स आ जाते तो पहले तुम्हें पता चलता है। जी हाँ सर। तो हॉस्पिटल के वेंटिलेटर्स खराब हो गए थे, ये तुम्हें पता नहीं था? सर पहले से पता था। तो फिर किया कुछ नहीं क्यों? बताया क्यों नहीं किसे? हाँ सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो फिर किसकी गलती? सर मैंने महक को पहले से ही बता दिया था वेंटिलेटर्स के बारे में, कि वेंटिलेटर्स में प्रॉब्लम हो रही है और वो कभी भी खराब हो सकते हैं। तो ये वेंटिलेटर्स बंद होने से पहले तुमने बताया था? यस सर, एक वीक पहले। मैम मैंने आपको एक नोटिस भेजा था, वार्ड 3 के वेंटिलेटर्स ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। ओह, मैंने वो तुम्हारा लेटर पढ़ लिया था शेखर, तुम टेंशन मत लेना, मैं कुछ करती हूँ। बट मैम मामला थोड़ा अर्जेंट है। हाँ हाँ मुझे पता है। डॉक्टर महक। यस मैम, आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में इमीडिएटली बुलाया है। हाँ ओके चलो। ओके मैम। तुरंत परेशे करने, कुछ ना कुछ करूँगी पक्का। बट सर उन्होंने मेरी बात को सीरियसली लिया ही नहीं। हाँ महक ने वेंटिलेटर्स खराब होने पर पेशेंट्स को बहुत बचाने की कोशिश की, मगर राजा सर इतने घबरा गए कि कुछ कर ही नहीं पाए। शेखर जी तुम कितना सच बोल रहे हो कितना झूठ, ये तो हम पता लगा ही लेंगे। सर महक की कोई गलती नहीं है, उसने मुझे वेंटिलेटर्स खराब होने के बारे में पहले ही बता दिया था। लेकिन आपने क्या किया? सर मैंने हॉस्पिटल के एडमिन हेड को बता दिया था, राजा को, क्योंकि हॉस्पिटल के जितने भी ये मशीनरी है उनकी देखरेख की जिम्मेदारी एडमिन हेड की होती है। सर तो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव हेड राजा को बता दिया और आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। आप मालिक है ना इस हॉस्पिटल के, तो जिम्मेदारी खत्म कैसे होती है आपकी? सर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, तभी तो मैं खुद गया राजा के केबिन में। राजा जी। सर ये सब क्या कर रहे हो? अरे ये सब जरूरी नहीं है, इतने सारे मरीजों की सांसें वेंटिलेटर के भरोसे चल रही हैं, तुम यहाँ बैठे हो, ये कुछ करो ना। जी सर मैं अभी सप्लायर से बात करके वेंटिलेटर बदलवा देता हूँ। प्लीज प्लीज जल्दी करो। जी सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने वेंटिलेटर्स बदलवाए क्यों नहीं। मैं हैरान हूँ सर, कोई भी केदार जी पे उंगली उठा नहीं रहा है, हर कोई राजा विनीत और मैक के पीछे पड़ा हुआ है। वही तो, हॉस्पिटल के मालिक है ना केदार जी, तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी भी केदार जी तुम्हारी है। लेकिन सर अब मैं खुद जाके तो रिपेयर नहीं कर सकता ना वेंटिलेटर्स। सर मेरा काम है कि कंसर्न डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना, और सर वो मैंने कर दिया, बल्कि मैंने विनीत से खुद बात करी, मैंने उससे कहा कि अगर ये रिपेयर हो सकते हैं तो रिपेयर करे, वरना इनको चेंज कर दे, और उसने कोई एक्शन ही नहीं लिया। उसने कोई एक्शन नहीं लिया। आपने क्या एक्शन लिया? और नाम भी ले रहे हो तो विनीत का जो मर चुका है, या राजा का जो जवाब देने की हालत में नहीं। सर जो सच था वो मैंने आपको बता दिया, अब वो मानना ना मानना सर आपके हाथ में है। परिणीता। जी सर। हॉस्पिटल की हेड नर्स, तो तुम हॉस्पिटल के बारे में सब कुछ जानती होंगी? जी सर। तो फिर अब सच सच बताओ, ये जो कुछ भी हुआ है किसकी लापरवाही से हुआ है, बताओ जल्दी। हाँ सर बताती हूँ। मेरे साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश मत करना राजा, पर हाँ अगर मशीनों में कोई फिजिकल डैमेज है वो वारंटी में नहीं आता, अगर तुमको नए वेंटिलेटर चाहिए तो पूरी कॉस्ट पे करनी होगी, समझा? मैंने तुमसे घटिया इंसान आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा, अब ना तो हमारा हॉस्पिटल तुमसे कोई सामान लेगा और ना ही शहर का कोई दूसरा हॉस्पिटल। सुनो ये धमकी किसी और को देना, जानता नहीं तुझे मैं कौन हूँ, जो करना है कर ले। जो कुछ भी हुआ है इस राजा और विनीत के झगड़े की वजह से हुआ है। दोनों के झगड़े की वजह से सर इतने लोगों की जान चली गई। राजा को नए वेंटिलेटर का इंतजाम तुरंत करना चाहिए था। सर इन मरीजों के परिवार वालों में से 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की है। अच्छा 3 लोग, तो फिर उनकी कुंडली निकालो देखते हैं। हेलो इसे भी प्रतिमान, व्हाट? ठीक है हम अभी पहुंचते हैं। क्या सर? राजा की मौत हो गई।
भैया मौत तो इसकी सर पे चोट लगने की वजह से हुई, लगता है छत से कूद गया है। जरूर हेलुसिनेशन इतने भारी पड़ गए होंगे कि दिल मिलाकर राजा ने ऊपर से छलांग लगा दी। और तुम ख्याल रखने वाले थे ना इसका, ये ख्याल रखा तुमने? सर राजा तो एकदम शांत तरीके से हो गया था, मुझे क्या पता था कि अचानक उठ जाएगा और खुदकुशी कर लेगा। जिस वक्त ये सब हुआ तुम कहाँ थे? सर मैं दूसरे कमरे में सो रहा था, तभी मुझे राजा के जोर जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। मुझे इन आत्माओं को नहीं झेलना, मुझे इसे निजात चाहिए, आजादी चाहिए, और जब तक मैं इसके पास पहुंचता ये छत से कूद गया साहब। वाह क्या बात है, राजा को अकेले छोड़कर तुम घोड़े बेच के सो रहे थे? मैंने तो कमर कस ली थी कि नहीं सोऊंगा, पर न जाने कैसे नींद आ गई, जरूर मुझे उन आत्माओं ने सुला दिया होगा। आप ये देखिए सर, मीटर की रीडिंग भी कितनी बढ़ गई है, मुझे मेरी तबीयत भी कुछ कमजोर लग रही है सर। अगर दोबारा ये मीटर दिखा दिया ना मुझे तो याद रख। एक मिनट दया, एक मिनट भाई, जरा मीटर देना मुझे। ये लीजिए, ये मीटर मैं रख लेता हूँ, तुम्हें लौटा दूंगा बाद में। जी सर, पर दे दीजिएगा। हाँ जरूर दे दूंगा, अभी एक काम करो, अभी तुम घर जाके थोड़ा आराम करो, थक गए हो ना, बहुत कमजोरी होगी तुम्हें। जी सर, बराबर सोए नहीं, जाओ जाओ आराम करो। ये क्या डॉक्टर साहब, उसे जाने दिया और ये मीटर रख ली? दया, ये मीटर जो है ना ये बड़े काम की चीज है। इस रूम में चेक करता हूं। हाँ सर। नहीं, ऊपर चलते। इस रूम के सर आराम से, ये नीडल तो जंगली घोड़े की तरह भाग रहा है। माय गॉड, हम यहाँ पर ऐसे नहीं खड़े रह सकते दया, हमें प्रोटेक्टिव गियर्स पहनने पड़ेंगे। प्रोटेक्टिव गियर्स वो किस लिए सर? अरे अपनी सुरक्षा के लिए। ये देखो, सबसे ज्यादा मीटर रीडिंग यहीं पर है, इस एसी के नीचे। मतलब सर वो अंकित, खबरदार खबरदार, जो आत्मा का नाम भी लिया तो। सर ये मीटर किस तरह इशारा कर रहा है? बताता हूँ, बाहर चलो, बाहर चलो। देखा दया, ये है EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करता है ये। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, ये तो आजकल सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में होता है सर, टीवी, फ्रिज, एसी में। बिल्कुल दया, लेकिन उन अप्लायंसेस का EMF हिडन होता है, छिपा हुआ होता है, ताकि लोगों पर बुरा असर ना हो। कैसा बुरा असर? इसकी वजह से लोगों को नौशिया हो सकता है, जी घबरा सकता है, बेचैनी हो सकती है, और अगर ज्यादा देर तक संपर्क में रहे तो हेलुसिनेशन होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। ओह, मतलब राजा को ये हेलुसिनेशन किसी केमिकल की वजह से नहीं हुआ है, अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की वजह से हुआ है, क्योंकि उसका वो EMF थका हुआ नहीं था। बिल्कुल। इसका मतलब है सर किसी ने ये जानबूझ के छेड़छाड़ की है इसमें। हो सकता है, वैसे ही राजा को अंदर से पछतावा महसूस हो रहा था, दुखी था बेचारा कि वो मरीजों को बचा नहीं पाया, इसीलिए हेलुसिनेशन उसे पछतावे के रूप में दिखाई देने लगे। शायद इसी पछतावे की वजह से इस विनीत की भी मौत हो गई। बिल्कुल, और वो अशोक, उसे भी कमजोरी इसीलिए महसूस हो रही थी क्योंकि वो भी काफी देर तक इस EMF के संपर्क में था। यहाँ पे वो कार्बन कंपाउंड नहीं मिला घर में। मिलेंगे कैसे दे? क्योंकि यहाँ तो EMF का इस्तेमाल हो रहा था, और सबसे ज्यादा रीडिंग मुझे बेडरूम के AC में मिली। इसका मतलब बेडरूम के AC में छेड़छाड़ हुई। फिर तो उस महक के घर में भी EMF। Oh no. हमें तुरंत पूरी को इन्फॉर्म करना होगा।
जान लेकर चैन नहीं पड़ा तुम्हें जो फिर से मुझे मारने आई हो? तुम मेरे तुम्हें सेल्फ डिफेंस में मारा था और वैसे भी तुम एक मुजरिम हो। क्या मुजरिम के घर परिवार नहीं होते? तुम्हारी वजह से मेरी बेटी अनाथ हो गई और ये खून देख रही हो, सब तुम्हारी वजह से। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देखो मेरे पास मत आना, मैं मार दूंगा। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास मत आना, मैं कहती हूँ मार दूंगी। मैं कहती हूँ मेरे पास मत आना, मार दूंगी। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो से। सर वो आदमी। क्या? सर यहाँ पे। सर, सर रोकिए इसे। ये मुझे मारना चाहती है। पहले पहले यहाँ से बाहर निकली। जल्दी। आउट ऑफ हियर। प्लीज जल्दी फास्ट। ये हैं वो तीन लोग जिनका संबंध केमिकल इंजीनियरिंग से है, सुहास, दीपक और किशोर। खूनी इनमें से कोई भी हो सकता है। नहीं अभिजीत, कार के एसी में केमिकल फिक्स करना अलग बात है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को इतनी होशियारी के साथ इस्तेमाल करना अलग बात है। मुझे लगता है ये कोई ऐसा आदमी है जिसे साइंस की, मेडिकल साइंस की बहुत अच्छी जानकारी है, या तो कोई डॉक्टर या कोई साइंटिस्ट। जिसने भी किया उसने पूरा बंदोबस्त किया था इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, कि ये महक और राजा दोनों कायम के लिए उस ईएमएफ के असर में रहे हैं। हो सकता है जब ये दोनों हॉस्पिटल में अपना काम कर रहे थे तब भी ये ईएमएफ वहां पर प्रेजेंट था। तो फिर सर शायद हॉस्पिटल के किसी मशीन के साथ भी छेड़छाड़ की गई होगी। बिल्कुल दया, बिल्कुल। और ये करने वाला वही है हॉस्पिटल का अंदर वाला। तो ये वो जगह है जहाँ पे महक और राजा बैठा करते थे। जी हाँ। और कौन कौन आ जा सकता था इस कमरे में? सर सिर्फ स्टाफ वालों को अंदर जाने की परमिशन थी, वो भी अगर कोई काम हो तो। मतलब बाहर का कोई आदमी यहाँ नहीं आ सकता? नहीं सर, यहाँ तक कि मरीजों को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। उसका मतलब तो ये हुआ कि स्टाफ का ही कोई है, मतलब आप में से कोई एक खूनी है। ये आप कैसे कह सकते? ये हम नहीं कह रहे, ये EMF मशीन कह रही है जिसने हमें सब कुछ बता दिया। और इस EMF मशीन के हिसाब से इस एसी के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इसका मतलब है राजा और महक को मारने की कोशिश की गई थी, मगर बेचारा राजा मारा गया। एसी के साथ छेड़छाड़? क्या कह रहे हैं आप लोग? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बात इस कमरे में मौजूद वही इंसान समझ सकता है जो खुद खूनी है। और वो आज यहाँ एक प्रोटेक्टिव गियर पहन के आया है ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी से उसे कोई नुकसान ना हो। क्यों? कौन है वो? क्यों? फैशन सेंस तो बहुत अच्छा है तुम्हारा शेखर। कपड़े के अंदर ये सुरक्षा कवच। तुम्हारे सारे पत्ते खुल चुके हैं शेखर, हमने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। तुम ही यहाँ पे सिर्फ ऐसे टेक्नीशियन हो जो एसी के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अब जल्दी बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, मैंने किया ये सब। और क्या गलत किया अगर मैंने महक, विनीत और राजा पे इल्जाम लगाया तो? इन लोगों की वजह से 12 मरीजों की मौत हुई जो मुझसे देखा नहीं गया। और मैंने सोचा कि इन लोगों को भी वैसी ही मौत मिलनी चाहिए जैसे उन 12 मरीजों को मिली। इसलिए मैंने ईएमएफ और कार्बन कंपाउंड के जहर का इस्तेमाल किया ताकि इन लोगों को ऐसी मौत दे सकूं। मौत नहीं, एक भयानक मौत। और ये मेरा इंसाफ था। इंसाफ करने का हक सिर्फ कानून को है, किसी और को नहीं, समझे? तुम जानते थे उस केमिकल के इस्तेमाल से उन लोगों को हैलुसिनेशन होगा। वो मरे हुए मरीज उन्हें सामने दिखाई देंगे जिसकी वजह से वो पागल हो जाएंगे। क्यों? और मैं अपने मकसद में कामयाब भी हुआ। जैसी मैं मौत चाहता था वैसी ही मौत पीड़ित तो राजा को मिली। मगर अफसोस महक को आपने एंड मोमेंट पे बचा लिया। कामयाब तो तुम तब होते हैं जब बिना कोई जुर्म किए उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाते हैं। क्या फर्क रह गया तुम में और उन दोनों में? अब तुम भी एक हत्यारे हो। तुम्हें क्या सजा मिलेगी इसका फैसला तो अब अदालत ही करेगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।